नमस्ते टू ऑल। टीजीटी पीजीटी या कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम हो, सुधीर के अरोरा की जो बुक है, ये जो इन्होंने राइटर पोइट्स के बारे में लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आता है। इनकी बुक्स को ही अगर आप कोई क्लियरली पढ़ ले तो वो कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश से रिलेटेड क्लियर कर सकता है इजीली। इनके बुक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब बुक्स में से है और काफ़ी कुछ इनकी बुक्स में से आता भी है। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसमें, जो हम पढ़ेंगे पी वी शैली के बारे में। पी वी शैली ऐसे ऑथर हैं, ऐसे राइटर हैं, ऐसे पोइट हैं कि जिनके बिना इंग्लिश एग्ज़ाम अधूरा है। ये कुछ पोइट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी रखते हैं और इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे एक ही आए पर इनके बारे में पूछा जरूर जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैन इज ए बोस्टफुल क्रिएचर, दिस इज थीम ऑफ वन ऑफ शैलीज वर्क, फाइंड आउट ऑल। ये ओजायमेंडिस से ली गई है लाइन, मैन इज ए बोस्टफुल क्रिएचर। शैली वाज अराउन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। तो इन्हें परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने कहा है? सुनील वर्ण ने। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हाउ मैनी कैंटोज डज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, में कितने कैंटोज हैं? तो 12 हैं। द कैंसी हैज़ 5 एक्ट है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बेसिक हैं, ये पता भी होने चाहिए ज़रूर, कि क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। द कैंसी इज ए ट्रेजेडी है ये। फ्रॉम वेयर डिड शैली गेट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रॉम्प्ट हाउस ऑन वॉर्ड, जो इन्होंने लिखा हुआ है उसका आइडिया इन्होंने कहाँ से लिया है? तो उनका ऑप्शन है इसका ए प्ले बाय SILX से इन्होंने लिया है। द प्रॉम्प्ट हाउस ऑन वॉर्ड हैज कितने एक्ट है इसमें? 4 एक्ट। इनके एक्ट पूछे जाते हैं बार बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स। तो ये कहाँ पर है ये लाइन? ये कही गई है द क्वार्टली रिव्यू एंड ब्लैकबोर्ड मैगजीन में, ये लाइनें कही गई हैं। हु इन्फ्लुएंस्ड शैली मोस्ट, तो इन्फ्लुएंस शैली को किसने ज़्यादा प्रभावित किया है? तो पॉलिटिकल जस्टिस जो है गोडविन की, उसने ज़्यादा इफेक्ट किया है। शैलीज मोस्ट ऑफ एनार्ची इज ए सटायर। विच पोएम इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर? एलास्टर, उनका जो अपने ऊपर जैसे आत्मकथा लिखते हैं तो एलास्टर है वो। द नेरेटिव पोएम मिस्ट्री एंड सस्पेंस इज द विच ऑफ एटलस। द विच ऑफ एटलस बहुत ही फेमस इनकी पोएम है। अगेन बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एडोनिस इज इन स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा हुआ है। ये बता चुके हैं हम आपको वीडियो में अपनी कि स्पेंसरियन स्टेंजा होता क्या। पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड। तो बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स के लिए किसने कहा है? तो वो शैली ने कहा है। ज़्यादा लंबी चौड़ी लाइनें आप याद नहीं कर पाते, रख नहीं पाते इतना ध्यान, तो कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर दिए कि हाँ ये किसने कहा है, तो इन्हीं से रिलेटेड है, तो बस इसी से याद कर लीजिएगा। लंबा ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। द लाइन ही लिव्स ही वेक्स, इट्स डेथ इज डेथ नॉट ही। तो ये लाइन है एडोनिस में कही गई है। विच बुक इज बेस्ड ऑन गुडविंस पॉलिटिकल जस्टिस? तो क्वीन में भी इन्होंने लिखी थी गॉडविंस की पॉलिटिकल जस्टिस पर। इट इज़ ए पेस्टोरल एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ किड्स। किड्स की डेथ पर कौन सा इन्होंने लिखा था? तो वो इन्होंने लिखा था एडोनिस। सीधा सीधा ये है कि किड्स के लिए पेस्टोरल एलर्जी तो होता है किसी की डेथ पर लिखने से, तो एडोनिस लिखा था इन्होंने, और उसके एक साल बाद फिर इनकी भी डेथ हो गई थी। द लाइन वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पासिस अपीयर्स इन एडोनिस, भी लाइन आई है। दिस पोएम ऑफ शैली इज एन अनफिनिश्ड पोएम, कौन सी है? तो वह ट्रिप ऑफ लाइफ इनकी अनफिनिश्ड पोएम है जो हेजलिज ने डिस्क्राइब की है। द लाइन आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर अपीयर्स इन, तो ये द क्लाउड जो इनकी पोएम है उसमें लाइन, आई एम मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, ये लाइन है। लाइन जो दी है ओड टू द वेस्ट विंड में कही है। लाइफ में चेंज बट इट मे फ्लाई नॉट, होप माई मे वैनिश। तो ये लाइन किस में गई है? हेलाज में। इतनी इंपॉर्टेंट ये लाइनें नहीं है। शैलीज लाइफ एंड हिज पोइट्री आर डिसोलवली करेक्टली, इतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है ये। द अदर टाइटल ऑफ एलास्टर, जो 1816 में पब्लिश हुई थी, तो द स्प्रिट ऑफ सॉलिट्यूड का अदर टाइटल है, जो दूसरा नाम कह देते हैं वो। द मोस्ट जेंटल द मोस्ट एमेबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई हैव अवर मेट। तो ये किसने कही है लाइन? ये कही है बायरन ने, शैली के लिए कही गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। तो ये लॉन्ग ने कही है। ऑन हुज ग्रेव आर द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम टेम्पेस्ट इंस्क्राइब्ड? तो नथिंग ऑफ हिम दैट डॉथ फेड बट डॉथ सफर इज सी चेंज।
तो ये शैली के लिए है ये लाइनें। नेक्स्ट, द ट्रिम्प ऑफ लाइफ इज सैलीज, क्या है ये? ये उनका एक अनफिनिश्ड पोएम है, मतलब ये पूरी नहीं हुई थी, इस पर क्वेश्चन पहले भी बना हुआ था। पोइट्री इज इंडीड समथिंग डिवाइन, बस इतना याद रखे किसने कही है, सैली ने कही है। पोइट्री इज दैट फ्रॉम विच आर स्प्रिंग एंड दैट विच अडॉर्न्स ऑल, ये भी जो कही गई है शैली ने ही लाइनें कही हैं। अगेन बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पोइट्स आर द मिरर्स ऑफ द जिग्नेटिक शेडोज, ये किसने कही है, शैली ने कही है। ज़्यादा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लाइन आप याद रखें स्टार्टिंग की, क्योंकि कोई भी कितना ही लंबा दे दीजिए पर ये लाइन जरूर होगी अगर पूछा जाएगा आपसे इस लाइनों के बारे में। तो द पोइट इज सेमी बारबेरियन इन ए सिविलाइज कम्युनिटी, तो ये लव पीकॉक ने कहा है। हु कॉल्ड सैली एन अनइंफेक्चुअल एंजल, किसने कहा है, अर्नोल्ड ने कहा है शैली के लिए। हु रोट द फॉलोइंग लाइंस, फ्रेश स्प्रिंग समर एंड विंटर हॉर, तो ये शैली ने लिखा हुआ है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं लाइन। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन शैली लिरिकल ड्रामा फ्रॉम थाउजेंड मॉर, में कितने जो हैं वो एक्ट हैं, तो फोर हैं वो, इसके एक्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रॉम थाउजेंड मॉर के। इफ़ विंटर कम्स कैन बी फार स्प्रिंग है, इसमें स्प्रिंग भी फार बिहाइंड आएगा। इसमें द एल्डर सन ऑफ टिमोथी एंड एलिजाबेथ, तो वो थे शैली, इनके फादर का नाम टिमोथी और मदर का नाम एलिजाबेथ था। शैली डेडिकेटेड अवेयरनेस, तो किड्स के लिए लिखा था इन्होंने, पेस्टोर इलेजी, मतलब जो किसी की डेथ पर लिखा जाता है वो इन्होंने किड्स के लिए लिखा था। 2021 में जो किड्स की डेथ हुई थी तब इन्होंने लिखा था, और 2022 में भी शैली की फिर डेथ हो गई थी एक साल बाद ही। कैन सी इज द ट्रेजरी इन फाइव एक्ट रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई, क्वीन मेविस फेरी शी इज रिफर्ड टू इन रोमियो जूलियट में, ये रिफर्ड हुई हैं। रिवोल्ट ऑफ स्लैब में कितनी पोयम है, तो इसमें हैं 4818 लाइन्स इसकी, इस्लाम में सॉरी पोयम में कितनी लाइन है, और 12 कैंटोज में 12 भाग है समझ लीजिए इसकी, तो 4818 लाइन इसमें है। यही इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहे हैं, आगे भी हम सीरीज लेकर आएंगे कुछ, तो उसमें इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हैं जो सुधीर के अरोरा में दिए हुए हैं, ये हैं इम्पोर्टेंट, ये इग्नोर नहीं किए जा सकते, हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो हमें बेसिक पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से हैं ये, बाकी आगे भी हम लाते रहेंगे। जो जैसे चेंज होता रहता है एग्ज़ाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन या कुछ अलग से बनता रहता है, तो उसको लेकर आते रहेंगे। बाकी आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट